फैमिली कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ दिल्ली का सबसे सस्ता बाजार सदर बाजार, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं ब्राइडल शॉपिंग। यहाँ पे आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज्वेलरी से रिलेटेड आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट कलेक्शन चूड़ा कलेरियाँ और हेयर एसेसरीज सारे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो बेल आइकन को हिट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम यहाँ पे सुबह सुबह आ चुके हैं सदर बाज़ार। आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे अभी मार्केट स्टार्ट ही हुई है, ये पटरी मार्केट है, और यहाँ पे हमें लेना था ब्राइडल के लिए शॉपिंग करनी थी, तो हम यहाँ पे आए हैं ब्राइडल शॉपिंग करने के लिए। तो ये कलेरियों का कलेक्शन आप देख सकते हो, ऑसम कलेक्शन है फ्रेंड्स। अगर आप लोग अभी तक सदर बाज़ार नहीं आए हो तो फटाफट से शादियों के शॉपिंग करने के लिए आप सदर बाज़ार आ जाओ बिना सोचे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है सबसे सबसे कम दामों में सामान। तो यहाँ पे देखिए, ये कलेरियाँ जो है ये स्टार्टिंग प्राइस इसकी हो जाती है 200 रुपीज़ से। ये वाली कलेरियाँ 200 रुपीज़ की है। इतनी प्यारी इतनी औसम कलेरियाँ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, कलेरियों का कलेक्शन औसम सा आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आप लोग फटाफट से आ जाए। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे आए हैं ब्राइडल की ज्वेलरी लेने के लिए। तो ये आप ज्वेलरी देख सकते हो, इस तरह की ये जो ज्वेलरी है ये वाली, विथ प्राइस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये 1800 रुपीज़ की है। तो मैं इस शॉप का आपको पूरा डिटेल्स भी दूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करें। मैं बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच नहीं करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो ये वाला सेट देख सकते हो कितना ऑसम है, इसकी डिज़ाइन देखिए, नग देखिए। तो ये वाले शॉप पे आपको एक से एक ब्राइडल ज्वेलरी मिलने वाली है, हर रेंज का आपको 1000 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये वाला ज्वेलरी आप देख सकते हो कुछ इस पैटर्न का है। तो ये वाली ज्वेलरी जो है आपको 1400 रुपये की है। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ डिटेल में कि इसके साथ आपको एक रानी हार मिलता है, साथ में मिल जाता है मांग टीका, और आपको मिलता है इसके साथ इयररिंग और माथा पट्टी के साथ सेट पे है ये। ये देखिए कुछ इस तरह का ये पीस है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रहे हैं। ये जो भैया हैं ये पूरा इसको दिखा रहे हैं पीस को, देखिए इसकी हार कितनी खूबसूरत है, इसकी नेक पीस, ये जो रानी हार है, ये लॉन्ग वाली जो हार होती है ना, एक तो गले में एकदम चीक के साथ आप पहनो, और दूसरा ये इस तरह का ये आपको पैटर्न मिल जाता है। ये वाली आपको 1500 रुपीज़ की है, बट यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत लाइट वेटेड थी, कैरी करने में इजी है, और ये जो है ना बहुत अच्छी ज्वेलरी शॉप है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर सदर आ रहे हो, आपको अगर ब्राइडल शॉपिंग करनी है तो इस शॉप पे ज़रूर आना आप लोग। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, शॉप का नाम भी बताऊंगी, और ये शॉप जो है आपको ओपन हो जाती है 7:30 बजे सुबह में। सदर जो है मार्केट स्टार्ट हो जाती है 6 बजे से, संडे पटरी मार्केट, बट ये शॉप जो होते हैं वो खुल जाते हैं आपको 8 बजे तक खुल जाते हैं। तो ये देखिए, ये ब्राइडल्स के कुछ ज्वेलरी आपको हर डिफरेंट डिफरेंट रेंज के मिल जाएंगे, 1000 से स्टार्टिंग है, और यहाँ पर आपको 10,000 तक के जो भी आपको ब्राइडल सेट लेने हैं वो मिल जाएंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत ब्राइडल सेट्स आई हुई हैं, एकदम लेटेस्ट कलेक्शन है फ्रेंड्स, एकदम लेटेस्ट कलेक्शन में आपको यहाँ पे जो भी सेट दिखा रही हूँ लेटेस्ट है। और ये रुई मंडी में आपको पड़ता है, देख सकते हो आप, ये रुई मंडी मार्केट में ही आपको एकदम स्टार्टिंग पे ही ये शॉप आपको पड़ जाएगा, और ये शॉप का नाम है ज़ारा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कितने खूबसूरत नेक पीस है आपको, हर तरह के मीनाकारी, कुंदन और चीक टाइप में आपको सभी टाइप से यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ इस तरह के कुंदन के देखिए आप ज्वेलरी, कितने औसम लग रहे हैं, कितने औसम फैंटेस्टिक जिसको आप कह सकते हो, एकदम धमाल। ये इस तरह के आप ज्वेलरी आप साड़ी वगैरह के साथ भी पेयर करके पहन सकते हो, अगर आप ब्राइडल की सिस्टर हो या ब्राइडल की मदर हो तो ये इस तरह की ज्वेलरीज भी आप वियर कर सकते हो, औसम लगने वाला है फ्रेंड्स। तो आप मैचिंग करके अपने साड़ी सूट के साथ यहाँ से ले सकते हो, बहुत ही औसम कलेक्शन है, और आपको यहाँ पे प्राइस के साथ एकदम रीजनेबल प्राइस में मिलेगा फ्रेंड्स, और डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे एडी के ज्वेलरीज भी अवेलेबल हैं, तो आप एडी की ज्वेलरीज भी देख सकते हो, बहुत खूबसूरत रेंज में आई हुई है, डिफरेंट डिज़ाइन में देख सकते हो आप, जो आप ऑनलाइन मिंत्रा की जावेरी पल्स से जो भी आप ऑर्डर करते हो ज्वेलरी, वो इस पैटर्न में, तो ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हो आप, ये मिंत्रा में जावेरी पल्स का ये डिज़ाइन है, इस तरह का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये ब्राइडल की ये जो पीस है ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये 2200 रुपये की थी, बहुत ही खूबसूरत ये भी पीस था, एकदम मुझे इतना पसंद आया था ये पीस, मैं आपको क्या बताऊँ। ये फ्रेंड 1800 रुपये की पीस है,
और ये भी औसम है। और ये वाली पीस 1400 रुपए की थी, तो हर रेंज में आपको मिल जाएगा। और ये देख सकते हो आप, इसके साथ ये कैटलॉग लगा हुआ है, तो आप देख करके समझ सकते हो कि इस तरह का ये ज्वेलरी कलेक्शन आपको क्या क्या मिल जाएंगे। इसके साथ आपको माथा पट्टी, नथ, एक रानी हार, एक आपको हार चीक हार मिल जाएगा, इस तरह का चोकर। बहुत ही औसम कलेक्शन आया हुआ था, तो हमें यहाँ से ब्राइडल शॉपिंग करनी थी ज्वेलरी की, तो हमने यहाँ पे ब्राइडल के लिए, ये देख सकते हो ये मेरी ननद है, इनकी ही शादी है, तो हम इन्हीं के लिए शॉपिंग करने गए थे, तो ये वाला हम लोगों ने फाइनल किया। बहुत ही औसम ज्वेलरी लग रही थी फ्रेंड्स। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है शॉप जहाँ से हमने परचेस किया। मैं आपको यहाँ पे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ज़ारा ज्वेलरी, ऑल काइंड ऑफ ज्वेलरीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ब्राइडल सेट्स, तो यही है। और यहाँ पे हम जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो और भी कुछ जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे वहाँ पे भी हमने कवर करने की कोशिश की आप लोगों के लिए ब्राइडल सेट। तो यहाँ पे देख सकते हो उन लोगों के पास भी ब्राइडल के सेट्स, अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। ये जो आप देख रहे हो ये पीस थी, आपको 1900 रुपये बता रहे थे, हमने इनसे पूछा बार्गेनिंग करने के बाद, ये फाइनली हमें 1700 रुपये में देने के लिए तैयार थे, बट हमने ले लिया था ब्राइडल का। तो और भी मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ यहाँ पे, कि आप यहाँ से अगर दूसरे शॉप पे भी जाते हो तो आपको मिल जाएगा ब्राइडल कलेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट रेंज में। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना खूबसूरत सा ये भी पीस है। और ये वाली देखिए, ये भी हार बहुत ही खूबसूरत थी, ये 1400 रुपए की बता रहे थे भैया, और कुछ इस पैटर्न का आपको होने वाला है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हल्दी मेहंदी के आपको कुछ इस तरह के स्टिकर्स मिल जाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा लोगों, जैसे आप कह सकते हो हल्दी और मेहंदी में इस तरह के बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये आपको मिलते हैं चांदनी चौक वगैरह में। अगर आप लेने जाओ तो आपको 100-100 रुपए का पड़ता है, बट मुझे यहाँ पे सस्ता समझ आया, यहाँ पे 80 रुपीज़ में ही मिल रहा था, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग ही पहुँचे थे, तो ये सब सामान वहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल रहा था, 80 रुपीज़ का दोनों दिया हल्दी और मेहंदी के लिए, तो बहुत ही औसम लग रहा था फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ से ज़रूर परचेस करें, सदर से ये सारे सामान आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। आपको शादियों की जो भी शॉपिंग करनी है तो प्लीज़ आप लोग सदर ही आएँ, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही औसम मार्केट है। और यहाँ आने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन, या आप 30,000 मेट्रो स्टेशन, वहाँ उतरकर आप बैटरी वाली रिक्शा मिल जाती है आपको, 10 रुपये आपको किराया लगेगा, वहाँ से आपको सीधा वो रुई मंडी या 12 टूटी चौक पर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ब्राइडल्स के लिए आपको हल्दी मेहंदी के भी बहुत सारे कलेक्शंस है। ये क्लचर्स आपको 20-20 रुपीज़ में मिल रहे थे, 6 का सेट। ये बच्चों के लिए काफ़ी हेयर एसेसरीज मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे, ये आपको 30 रुपये का सेट दे रहा था, 40 रुपये का, 50 रुपये का, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में थे। बहुत ही खूबसूरत ये बच्चों के लिए हेयर पिंस आए हुए हैं, तो अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं शादी में, आप इस तरह के किसी भी छोटे बच्चों को दे सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट है तो अच्छा लगता है। ये आपको मार्केट में सिंगल पीस पड़ता है 20-20 रुपये का पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको पूरा सेट, जिसमें आपको मिल जाएगा 12 पीस का सेट होता है, आपको यहाँ पे कुछ भी जो भी आपको मिलेगा आपको 12 का पीस ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लूज़ में नहीं मिलेगा, एक दो भी मिलेगा, बट थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा पड़ता है, बट एक बार अगर आप लेते हो थोक में लेते हो तो थोक में आपको सस्ता पड़ता है। ये क्लिप्स देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये आपको 10-10 रुपये का एक मिलता है, बट अगर आप बंडल में लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ये इस तरह के कुछ हेयर एसेसरी। अब मैं आपको और भी ज्वेलरीज के कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये वाली सेट जो है ये आपको 150 रुपीज़ का पड़ेगा। जैसे जैसे मॉर्निंग होते जाती है फ्रेंड्स, वैसे वैसे इसकी प्राइस भी थोड़ी इंक्रीज होते जाती है, तो ये इस टाइम पे यहाँ पे ये जो भैया बैठते हैं, इनका जो आपको रुई मंडी में ही पड़ता है इनका भी शॉप, तो ये सब 150 रुपीज़ के रेंज में दिखा रहे थे। इनके पास 100 रुपीज़ की रेंज की भी ज्वेलरीज थे, ये सारे 150 रुपीज़ के मैं आपको जो दिखा रही हूँ, और ये जो है ये 200 रुपीज़ की है। इस तरह का आप ले सकते हो साड़ी वगैरह पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाली सेट, मुझे काफ़ी पसंद आई। ये 200 रुपीज़ की थे, आपको हर रेंज में 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे प्राइस, तो आप देख सकते हो ये सारी ज्वेलरीज, ये जो फ्रंट वाले हैं ये आपको 100 रुपीज़ के मिलते हैं, 150 रुपीज़ के, 200 रुपीज़, 3 रेंज के आपको यहाँ पे ज्वेलरीज मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी है ये भी। आप ये भी यहाँ पे भी मार्केट पे आ सकते हो, यहाँ से भी आप ले सकते हो। इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भैया जो है सेल लगा रखे थे, 20 रुपए के सारे सामान, आप जो लेना है आप 20 रुपीज़ में आपको मिल रहे थे, 100 के 5 प्रोडक्ट ले सकते हो। तो ये वाली जो हल्दी मेहंदी में आप यूज़ करना चाहते हो तो वो 20 रुपए के मिल रहे थे। यहाँ पे देखिए ये जो कड़े हैं ये आपको मिल जाते हैं 100 रुपए के। यहाँ पे देखिए
यहाँ दुल्हन के जोड़े वगैरह के लिए आपको बहुत सारे हेयर एसेसरीज मिल रहे थे, ये आपको 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ ये डब्बे में जो है 12 पीस आपको मिल रहे थे। रोज के पिन, हेयर पिन, ये आपको 50 रुपीज़ के बॉक्स मिल रहे थे। इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये आपको चूड़ी बॉक्स, इस तरह के पाउचेस, ये पाउच जो मैं ओपन कर रही हूँ आप देख सकते हो, ये 50 रुपीज़ का आपको मिल रहा था अगर आप सिंगल पीस लेते हो। बहुत सारे ये चूड़ी बॉक्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेंज के थे। यहाँ पे देख सकते हो ये रबर बैंड मिल रहे थे, ये आपको रबर बैंड यहाँ पे 20 रुपए के रबर बैंड से स्टार्टिंग थी, आपको बंडल मिल रहा था। ये स्क्रंचीज काफ़ी अच्छी थी, स्क्रंचीज भी आपको 40 रुपीज़ के 50 रुपीज़ के मिल रहे थे। यहाँ पे देखिए और भी आपको मैं हेयर एसेसरीज दिखा रही हूँ, ये बॉक्स आपको 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ के बॉक्सेस थे। ये आपको गजरा जो मिलता है आर्टिफिशियल गजरा, वो भी आपको मिल रहा था 30 रुपीज़ का। और इस तरह के आपको जुड़ा बन, ये 120 रुपीज़ का ये फ्लावर का आ रहा था। देख सकते हो पार्लर वगैरह में जब आप जाते हो मेकअप वगैरह के लिए, तो आप जब हेयर एसेसरीज आपको लगा देते हैं तो यही सब रोजेस का यूज़ किया हुआ रहता है फ्रेंड्स। ये 120-140 इसी रेंज में थे, आपको 12 का सेट मिल रहा था, बहुत ही ऑसम है, इस तरह का भी आप ले सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये नेल पेंट्स मिल रहे थे, ये 60 रुपए के आपको मिल रहे थे 12 और 120 रुपए के 12। यहाँ पे और भी ये हल्दी मेहंदी के लिए आप इस तरह का सेट ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये हेयर पिंस कितने ऑसम, ये कोरियन हेयर पिंस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये आपको हर रेंज के मिल रहे थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये आपको हेयर एसेसरीज, कोरियन के हेयर एसेसरीज जो है काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये 80 रुपीज़ 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ इसी रेंज में थे। ये वाली रोज़ वाली है, ये काफ़ी प्यारी लग रही थी, ये आपको 80 रुपीज़ की मिल रही थी, और जो कि मार्केट में आपको कम से कम आपको 150-250 इसी रेंज में मिलते हैं, आप मीशो वगैरह पे चेक कर सकते हो। ये सारे आपको 80 रुपीज़ के मिल रहे थे, बहुत ही ऑसम कलेक्शंस है फ्रेंड, तो इस तरह के हेयर एसेसरीज भी आप ले सकते हो। इसके बाद फ्रेंड देखिए ये 20 रुपीज़ के एंकलेट्स मिल रहे थे आपको, 20-20 रुपीज़ के, ये सब 60 रुपीज़ के। यहाँ पे हेयर एसेसरीज तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शंस आए हुए थे, यहाँ पे हेयर एसेसरीज आप देख सकते हो, ये आपको हेयर एक्सटेंशन भी मिल रहे थे, हर तरह के रेंज में आपको हेयर एक्सटेंशन मिल जाते हैं। ये आपको जूड़ा बन, इसकी इनकी जूड़ा जो बन है ना, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी ये भैया की, तो ये आपको 200-200 रुपीज़ की दे रहे थे। ये सब आपको 30 रुपीज़ के गजरा मिल रहे थे। और यहाँ पे देखिए मेहंदी हल्दी के लिए भी बहुत सारे लेटेस्ट कलेक्शंस में आए हुए थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने जूड़ा बन के लिए रखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हमें भी यहाँ से कुछ परचेस करना था तो हमने भी लिया। ये बॉक्स देख सकते हो, ये सिंगल बॉक्स जो आपको 200 रुपीज़ का ये फ्लावर बन का पड़ रहा था, काफ़ी अच्छा था, इसका साइज़ भी बड़ा था तो काफ़ी अच्छा था। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो, ये कोरियन हेयर पिन की जो मैंने बात की, ये आपको 100 रुपीज़ की मिल रही थी। और यहाँ पे और भी ज्वेलरी देख सकते हो आप, ये 80 रुपीज़ 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ इसी रेंज में थी। ये बिंदी का पूरा बॉक्स आप देख सकते हो, ये आपको 30 रुपीज़ में मिल रहा था, ये पूरा बॉक्स। एक पीस आप लेने से अगर आप लोगे तो आपको 10 रुपए का ले रहा था, बट आप पूरा अगर बॉक्स लेते हो तो ये 30 रुपीज़ में। अगर आपके घर में शादी है तो आप ये ज़रूर खरीद ले। ये देख सकते हो यहाँ पे आप कॉस्मेटिक की बात कर ले तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्मेटिक के भी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। ये आप आई शैडो पैलेट देख सकते हो, ये जूड़ा बन और भी जूड़ा बन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको 40 रुपीज़ का जूड़ा बन दे रहे थे। और ये मेकअप के सामान आपको मिल जाते हैं, अगर आप इस तरह के मेकअप के सामान भी लेना चाहते हो तो हर रेंज का आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको ना 12 का पीस लेना पड़ रहा था, 12 का सेट दे रहे थे। ये आई शैडो पैलेट जो है ना, ये 200 रुपीज़ का बता रहे थे भैया, ये 200 रुपीज़ की है। इसके बाद हमने मार्केट को और एक्सप्लोर थोड़ा करने की कोशिश की, तो हमें और भी कलेरियों का कलेक्शन दिखा, ये कितनी औसम कलेरियाँ हैं, तो ये 200 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 300-200 इसी रेंज में। और दुल्हनों के लिए यहाँ पे आपको वैक्सिंग के भी सारे सामान मिल जाएंगे, आई लेसेस वगैरह मिल जाएंगे, मेहंदी मिल जाएंगी आपको, तो ये आई लेसेस का पूरा सेट मिल रहा था, 12 के बॉक्सेस थे। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो मेकअप का सारा सामान मिल जाएगा, चारकोल का मास्क मिल जाएगा, सिंदूर मिल जाएगा, बिंदी मिल जाएगा, मेहंदी मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा, सारे कलेक्शंस थे यहाँ पे फ्रेंड्स। ये देखिए आप यहाँ पे और भी बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ। ये वाली आई शैडो पैलेट काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये 220 रुपीज़ का भैया बता रहे थे, बट मैंने इनको कहा कि थोड़ा सा प्राइस कम कर दो, बट इन्होंने कम नहीं किया तो हमने परचेस नहीं किया। तो ये 250 यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये
कितने औसम चूड़े के कलेक्शंस थे। ये 100 रुपीज़ से यहाँ पे चूड़े का कलेक्शन स्टार्ट हो जा रहा है और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 500 to 600 रुपीज़ के चूड़े मिल जा रहे हैं। अगर आप चूड़ा लेना चाहते हो तो यहाँ से बिल्कुल परचेस कर सकते हो। ये वाली ज्वेलरीज आप देख सकते हो, ये वाली ज्वेलरीज काफ़ी अच्छी थी 150 रुपीज़ की। यहाँ पे ज्वेलरी के कलेक्शंस तो फ्रेंड पूरा मार्केट में ज्वेलरी ही ज्वेलरी आपको मिल जाएंगे औसम कलेक्शंस के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको किसी को देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हो पर उनको, और इस तरह का आपको कैटलॉग दिखा देगा कि आपको इस तरह के कैटलॉग्स आप देख सकते हो। और ये 100-150 रुपीज़ इसी रेंज में आपको मिलेंगे। और ये जो है ना संडे पटरी मार्केट, ये मॉर्निंग के टाइम में सुबह 6 बजे लग जाती है फ्रेंड्स और पूरे दिन रहता है। बट मॉर्निंग में थोड़ा सा क्या होता है, रश कम होती है, जैसे टाइम जैसे जैसे जाती रहती है रश काफ़ी बढ़ता जाता है। तो मैं कहूँगी फ्रेंड्स अगर आप लोग सदर आ रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग ही पहुँचे ताकि आप मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, घूम सको, शॉपिंग अच्छे से कर सको। और यहाँ पे देख सकते हो ये ब्राइडल की जो ज्वेलरी है ये आपको 1400 रुपीज़ का था, तो काफ़ी औसम ऑथेंटिक लग रहा था, बहुत ही औसम लग रहा था। हमने बहुत सारे ब्राइडल ज्वेलरी आज कवर करने की आप लोगों के लिए कोशिश की है ताकि अगर आपके घर में शादी है, फंक्शन है, तो आप यहाँ से आ करके ज़रूर परचेस करें। और आपको परचेस करने में ताकि सुविधा हो, इस वजह से हमने यहाँ पे बहुत सारे ब्राइडल के कलेक्शंस आपको दिखाए हैं। तो फ्रेंड्स बिना देर किए आप लोग ज़रूर यहाँ से ब्राइडल की शॉपिंग करें। ये देखिए कितना ज्वेलरी, जो कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है, हल्दी मेहंदी आपको हर तरह के येलो कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगे। ये वाली ज्वेलरी फ्रेंड्स मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहती हूँ, ये 280 रुपीज़ की है और काफ़ी औसम लग रही है। अगर आप इसे भी शादी वगैरह में पहन सकते हो, ये मार्केट में आपको 280 रुपीज़ का तो फ्रेंड्स नहीं मिलने वाला है, कम से कम आपको 350 इसके लिए पेड करना ही पड़ेगा। तो ये वाले सारे ज्वेलरीज आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हर रेंज के ज्वेलरीज थे इन भैया के पास। तो ये आपको रुई मंडी के पास ही इनका स्टॉल लगता है, ये मॉर्निंग के टाइम में ही अवेलेबल रहते हैं। इनके पास भी बहुत सारे, मैंने पिछले वाले जो सदर मार्केट वाली ब्लॉग है उसमें भी इन भैया की शॉप को दिखाया था, मैं दीपावली के टाइम पे गई थी। और ये वाली ज्वेलरी आप देख सकते हो 120 रुपीज़ की थी, काफ़ी औसम लगता है ये ज्वेलरी। ये ज्वेलरी आपको 120 रुपीज़ में तो कहीं भी मिलने वाली नहीं है। ये वाली जो ज्वेलरी है ये सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ की थी, ये भी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, 70 रुपीज़ में तो आपको नहीं मिलने वाला है। सदर से सस्ता फ्रेंड्स कहीं भी नहीं है, सदर में ज्वेलरी की कलेक्शंस काफ़ी रहती है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हो मैं आपको यहाँ पे सारे ज्वेलरीज दिखा रही हूँ, कुछ आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज भी मिल जाएंगे, इस तरह के भी ज्वेलरीज मिल जाएंगी। ये वाली ज्वेलरी आपको 200 रुपीज़ की थी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के रेंज में मिल जाएंगी। फिंगर रिंग्स भी काफ़ी अच्छे थे, ये बॉक्स थे 120 रुपीज़ के बॉक्स थे। तो अगर आपके घर में शादी है तो आप ये बॉक्स भी बिल्कुल ले सकते हो, सभी को गिफ्ट भी दे सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये चूड़े के कलेक्शंस देखिए, ये 100 रुपीज़ से चूड़े के कलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इतने औसम चूड़े के कलेक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चूड़ा पहनते हो तो बिल्कुल, हमारे यहाँ तो नहीं पहनते हैं, हमारे यहाँ लहठी पहनते हैं, जिस वजह से मैंने यहाँ पे चूड़े की शॉपिंग नहीं की। लेकिन हाँ ब्राइडल्स के लिए चूड़े की कलेक्शंस भी काफ़ी अच्छी आई हुई थी, तो आप ज़रूर यहाँ से चूड़ा परचेस कर सकते हैं। 100-100 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं, 150 रुपीज़ में, इतने औसम इतने प्यारे लग रहे थे, हर कलर में आपको मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड कलर, आपको मरून कलर आप अपने साड़ी के साथ मैचिंग करके यहाँ पे चूड़ा ले सकते हो। बहुत ही औसम औसम कलेक्शंस आए हुए हैं, लेटेस्ट कलेक्शन कह सकते हो। और हाँ ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने, अगर आप लोगों को चाहिए, अगर ऑनलाइन भी आप लोग लेना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपको स्पेशली प्रोवाइड करवा दूंगी। क्योंकि वहाँ पे भैया ने बताया था कि अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी मैं मिल जाएगा, यहाँ पे हम ऑनलाइन भी परचेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये वाली चूड़ा मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये 150 रुपीज़ की रेंज की थी, तो काफ़ी औसम लग रहा था, ये नया कलेक्शन इस तरह का मुझे लग रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो इन्होंने कहा कि कोई नहीं मैम, आप हमसे कांटेक्ट करना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे देखिए ये भैया कलेरियाँ जो है ये आपको सिंगल पीस नहीं दे रहे थे, ये आपको पेयर में बेच रहे थे। तो पेयर में ये वाले जो हैं कलेरियाँ आपको 450 रुपीज़ में दे रहे थे। तो मैंने इनको कहा कि हमें सिंगल पीस चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंगल पीस तो अवेलेबल नहीं है, जो आपको मार्केट में मैंने बाहर भी पूछा था इसका रेट तो 350 का बता रहे थे, वो आपको पेयर में अगर आप लेते हो तो 220 रुपीज़ का पड़ रहा था, जो बाहर आपको 350 रुपीज़ का पड़ रहा था वो यहाँ पे 220 रुपीज़। बट आप दो कलेरियाँ लेकर के हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जिनको बिजनेस के पर्पज़ से लेना है, वो यहाँ पे आकर के ज़रूर शॉप पे इनके विजिट कर सकते हैं।
उसके बाद और भी ब्राइडल के ज्वेलरीज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा हम जब और रुई मंडी में आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरा रुई मंडी जो मार्केट है वहाँ पे पूरा आपको ज्वेलरी ही कलेक्शंस दिखेंगे, एक से एक ज्वेलरीज वाले आपको भैया मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह के ज्वेलरीज भी आप ले सकते हो 1000 रुपीज से, मैं बार बार कह रही हूँ 1000 रुपीज से ब्राइडल के कलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाली ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी थी, ये वाले भैया बता रहे थे इसके प्राइस बताए थे 1850 रुपीज के ये सेट बता रहे थे, ये ब्राइडल के कलेक्शंस इनके पास भी बहुत सारे। हाँ ये आप देख सकते हो, ये एक टिकटॉक जो कहते हैं टिकटॉक इसका नाम था इस ज्वेलरी सेट का, ये भी काफ़ी ट्रेंडी था तो वो बता रहे थे ये 800 रुपीज का आपको आ रहा है। इसके बाद देखिए ये माथा पट्टी जो सीस पट्टी है ये आपको 90 रुपीज का सिंगल पीस दे रहे थे, अगर आप थोक में लेते हो तो आपको थोक में ये सस्ता पड़ जा रहा था। ये मंगलसूत्र आप देख सकते हो, ये 20 रुपीज का ये मंगलसूत्र आपको मिल रहा था, जो कि आप जब मीशो पे परचेज करते हो तो एक बॉक्स में दे देता है इस तरह का, तो आपको 90 रुपीज़ 140 रुपीज़ इस तरह का पेड करना पड़ता है आपको, बट यहाँ पे इस तरह का नहीं है, ये 20 रुपीज़ में ही मिल रहा था। ये माथा पट्टी बहुत ही औसम थी, आपको बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन में मिल रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके बाद फ्रेंड देखो आप यहाँ पे ये चूड़ा और भी चूड़े का कलेक्शन दिखा रही हूँ मैं आपको इस तरह के डिफरेंट। ये देखिए सदर बाज़ार का ये आपको दिख जाता है, रुई मंडी मार्केट से जब हम बाहर की तरफ निकल रहे थे हमें कुछ और लेना था, रश बढ़ रही थी, टाइम बढ़ रहा था तो रश बढ़ रहा था, मैं आपको वो पूरा मार्केट का दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए भीड़ कैसे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद ये देखिए ये वाली ज्वेलरी आपको काफ़ी अच्छी थी जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, ये 1400 रुपीज़ की थी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस तरह की भी ज्वेलरी आप ले सकते हो ब्राइडल्स के लिए, काफ़ी सुंदर इसकी जो मीनाकारी वर्क थी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी, ब्राइडल्स के लिए आप ले सकते हो, ये भी बहुत ही औसम था। ये 1800 रुपीज़ का था, ये वाले भैया बता रहे थे कि हाँ हम डिस्काउंट वगैरह कर देंगे, तो लास्ट में ये फाइनली 1800 रुपीज़ में देने के लिए तैयार हुए, बट हमने पहले ही शॉपिंग कर ली थी जिस वजह से हमने ये वाले इसको अवॉइड किया, हमने नहीं लिया, हमने आगे की तरफ और बढ़ गए थे, हमें और भी शॉपिंग कुछ करनी थी, तो मैं आपको और भी दिखाऊंगी मार्केट और दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे चूड़ा कलेरियाँ का कलेक्शन था। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।